नमस्कार दोस्तों, सविता किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आंवला का हम इंस्टेंट अचार बनाएंगे। दोस्तों, आज बनाएं और आज ही खाएं, इस तरह का अचार बनाएंगे। और आंवला विटामिन से भरपूर होता है, ऐसे हर किसी को एक से दो आंवला हर दिन खाना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो आंवला बहुत कड़वा होता है दोस्तों, इसलिए इसे कच्चा खाने में बहुत दिक्कत है। इसे आप चटनी के रूप में भी बनाकर खा सकते हैं, या तो इसका मुरब्बा भी बना सकते हैं। लेकिन आंवला का आज हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, हाफ के जी हम आंवला लिए हैं। आंवला को हम अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लिए हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले इसको उबालेंगे। उबालने के लिए देखिए, आप इसे भाप में भी पका सकते हैं, लेकिन आज हम भाप में ही पकाएंगे, लेकिन अलग तरीके से हम बना रहे हैं। देखिए, कुकर लिए हैं। कुकर में हम देखिए, नीचे में हम पानी डाल दिए हैं। अब हम इसमें इस कटोरा को डाल देंगे और देखिए, इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों, इस तरह से पकाने से क्या होगा कि आंवला का जो विटामिन है, अगर आप पानी में उबालते हैं तो पानी में चला जाता है। अगर इस तरह से हम बना रहे हैं तो आंवला का विटामिन सारा आंवला में ही रह जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम कुकर के ढक्कन को हम लगा दे रहे हैं। 1 सीटी हम दोस्तों हाई फ्लेम पर दिलाएंगे और 1 सीटी हम लो मीडियम फ्लेम पर दिलाएंगे। देखिए, आंवला का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मसाला में देखिए, 2 लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जमाइन, 1 चम्मच जीरा और गोल मिर्च लिए हैं। और अधिक हम मसाले का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हेल्दी तरीका से हम बना रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सरसों, धनिया भी डाल सकते हैं, मेथी, लेकिन आज हम सिर्फ इसी मसाला से बनाएंगे। ये सारे मसाला गैस के लिए फायदेमंद होता है। आप चाहे तो लाल मिर्च अगर नहीं खाना पसंद करते तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च को खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप गोलकी की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। देखिए, हम कढ़ाई में कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई देखिए दोस्तों गर्म है। आप चाहे तो तवा पर भी इसे फ्राई कर लेंगे। इंस्टेंट बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसे हम पका ले रहे हैं, क्योंकि इंस्टेंट में हम अभी बनाएंगे और अभी खाएंगे, इसलिए मसाला को थोड़ा भूज ले रहे हैं। देखिए, भून आ गया है, इससे देखिए एक आवाज़ भी आने लग गया है और सोना सोना खुशबू भी आने लग गया है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मसाला को हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, 2 सीटी दे दिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का सीटी को हम निकालने देंगे। देखिए, इधर मसाला भी ठंडा हो गया है। देखिए दोस्तों, इधर मसाला भी ठंडा हो गया है। इसे आप सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं, लेकिन आज हम मिक्सी में ही इसे हम रफली पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मसाला भी ठंडा हो गया है। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर कूट लीजिए। हम इसे आज सिलबट्टे पर, आप चाहे तो दोस्तों इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। हम इसे मिक्सी में रफली पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मसाला को हम रफली पीस लिए हैं। देखिए, आंवला का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए दोस्तों, हम धुआं निकलने तक इसे हम गर्म कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। देखिए, तेल से धुआं निकलने लग गया है दोस्तों। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे दोस्तों। देखिए, इस तेल को हम ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, सीटी निकल गया है। हम कुकर के ढक्कन को हम खोल दिए हैं दोस्तों। देखिए, अब हम देखिए आंवला को हम चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्लेट को भी हम निकाल रहे हैं और देखिए आंवला को भी निकाल रहे हैं। देखिए आंवला, देखिए सिद्ध गया है दोस्तों, हाथ से तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे।
देखिए दोस्तों, आंवला को हम इसे निकालेंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसे इस तरह से अलग अलग हम इस तरह से हम इसे दोस्तों तोड़ लेंगे। दोस्तों चलिए, हम इसे पकाने से दोस्तों आंवला में पानी नहीं गया है और आंवला का विटामिन भी आंवला में ही रह गया और पानी नहीं गया है इसमें, तो ये आंवला का अचार जो बनाएंगे लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। चलिए इसे हम ठंडा होने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आंवला ठंडा हो गया है। इसे एक बाउल में देखिए, ये बाउल जिस बाउल में हम अचार को मिक्स करेंगे उस बाउल को सूखा होना चाहिए दोस्तों, तभी हम इसे कुछ लंबे समय तक नीचे स्टोर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको फाड़ लेंगे और इसका बीज को हम हटा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सारे आंवला से बीज को हम निकाल लिए हैं। अब हम इसमें देखिए, ये जो हम मसाला जो पीस कर रखे हैं दोस्तों, इसे हम डाल दे रहे हैं। देखिए साबुत मंगरायल डाल रहे हैं, एक चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, एक चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक अचार में दोस्तों अधिक दीजिएगा, इससे अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं दोस्तों, तेल भी हम बहुत अधिक नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे, ये कच्चा आंवला नहीं है, पका हुआ आंवला है, इसको बहुत अधिक पकाना नहीं है, इसलिए तेल इतना ही देंगे जितना में मसाला इसमें मिक्स हो जाए दोस्तों। अचार को मिक्स करते समय दोस्तों हाथ आपका सूखा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से टॉस करते हुए इसे हम मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, आंवला का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया, इसे आप अभी भी खा सकते हैं दोस्तों। और इसे लंबे समय तक अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो महीना दो महीना भी ख़राब नहीं होगा, अगर बाहर भी रखते हैं तो आपको 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अभी ठंडा का सीज़न आ रहा है और आंवला का भी सीज़न आ रहा है दोस्तों। इस तरह से बनाकर दोस्तों हेल्दी तरीका से बनाकर इस तरह से खाइए, और आप इसे रोटी चावल किसी के साथ खाइएगा दोस्तों, आपका खाने का इंटरेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इंस्टेंट आंवला का अचार बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा कि हम जो बताए हैं आंवला का अचार बनाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।